रेडियो खांची 90.4 एफएम पर प्रसारित किए जाने वाले विषय वस्तु का सारा क्रेडिट प्रस्तुतकर्ता को दिया जाता है। हमारा मकसद है समाज में ज्ञान एवं सकारात्मकता को आगे बढ़ाना। रेडियो खांची 90.4 एफएम हम सबका रेडियो पर आप सभी का स्वागत है। माई सेल्फ एसकेएल दास, आई एम अ फैकल्टी ऑफ सीपीपीएस इन रांची यूनिवर्सिटी। टूडे आई एम गोइंग टू डिस्कस एलसीएम एंड एचसीएफ। This lecture is beneficial for CPPS students and for all those students who are preparing for competitive maths. Students, today I am going to discuss on the questions based on LCM. This is type 2 questions. Our first question is the least number which when divided by 12, 15, 20 or 54 leaves a remainder of 4 in each case. वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 12, 15, 20 और 54 से भाग करने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष रहे निम्न है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका है कि आप 12, 15, 20 और 54 का एलसीएम ले लीजिए। लास्ट क्लास हम लोग सीखे थे कि एलसीएम कैसे फाइंड आउट किया जाता है। 12 का एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए इसका फैक्टर निकालते हैं, क्योंकि फैक्टर मेथड बेस्ट मेथड है। 12 का फैक्टर होगा 2 का स्क्वायर इंटू 3, 15 का फैक्टर होगा 3 इंटू 5, 20 का फैक्टर होगा 2 स्क्वायर इंटू 5 और 54 का फैक्टर होगा 2 इंटू 3 का क्यूब। तो स्टूडेंट्स, जब हम लोग एलसीएम फाइंड आउट करते हैं तो उस केस में हम लोग जो हाईएस्ट पावर रहता है, जो सब में कॉमन है, बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ फैक्टर। यानी कि 2 में जो हाईएस्ट पावर होगा, तो अब देखिए 2 में हाईएस्ट 2 स्क्वायर है, 3 में हाईएस्ट 3 क्यूब है और 5 में हाईएस्ट 5 है, तो एलसीएम होगा 2 स्क्वायर इंटू 3 क्यूब इंटू 5। यानी कि 12, 15, 20 और 54 का एलसीएम 540 हो जाएगा। तो ये जो 540 नंबर मिला, ये वो नंबर है जिसमें 12, 15, 20 और 54 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा। अब आपको रिमाइंडर चाहिए 4, यानी शेषफल चाहिए 4, तो जितना भी शेषफल चाहिए उतना आप ऐड कर दीजिए। देन योर रिक्वायर्ड नंबर इज 540 प्लस 4, 544 इज योर आंसर। बहुत ही सिंपल था। आपको जब भी पूछे कि किसी पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड करने पर रिमाइंडर इतना आना चाहिए, तो आप सबसे पहले एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम वो नंबर होता है जिससे ऑल नंबर्स डिविजिबल होगा, जिसका आप एलसीएम निकाले हैं, और जितना रिमाइंडर चाहिए उतना रिमाइंडर आप ऐड कर लीजिए। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में आता है, एसएससी सीजीएल में आता है इनफैक्ट, और ये आपसे बन जाना चाहिए। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये क्वेश्चन जेएसएससी में ऑलरेडी आ चुका है, जेएसएससी 2016 पीटी में आया है। द स्मॉलेस्ट नंबर विच वेन डिवाइडेड बाय 12 और 10 और 8 लिव्स रिमाइंडर 6 इन ईच केस। वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 12 या 10 या 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 6 शेष बचे। स्टूडेंट्स, आपको सबसे पहले 12, 10 और 8, यानी कि 12, 10 और 8 का एलसीएम निकालना चाहिए। द स्मॉलेस्ट नंबर डिविजिबल बाय 12, 10 और 8, यानी कि एलसीएम ऑफ 12, 10 और 8 फाइंड आउट कीजिए। 12, 10 और 8 का एलसीएम स्टूडेंट्स 120 होगा। अब आपसे बोल रहा है कि प्रत्येक दशा में 6 शेष बचे, है ना, लिव्स रिमाइंडर 6 इन ईच केस। तो 120 आपको वो नंबर मिला है जिससे 12, 10 और 8 से डिवाइड करने पर 0 रिमाइंडर आएगा, यानी कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। और आपको अभी बताए हैं कि जितना रिमाइंडर आपको चाहिए उतना आप ऐड कर लीजिए, यानी कि 6 रिमाइंडर चाहिए, तो आपका रिक्वायर्ड नंबर हो जाएगा 120, जो कि एलसीएम है, प्लस जितना रिमाइंडर चाहिए वो 120 प्लस 6, यानी 126 इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, ये क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा बार आया है। स्टूडेंट्स, ये सब क्वेश्चन को सॉल्व करने का ऑप्शन भी एक अप्रोच है, डिविजिबिलिटी रूल से भी हम लोग बनाते हैं, जिसमें और कम समय में क्वेश्चंस को बनाया जा सकता है। लेकिन
ऑडियो लेक्चर में एक लिमिटेशन होता है क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, तो आपको हम सबसे सरल और आसान तरीका बता रहे हैं जिससे आप घर बैठे भी इजी वे में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और आसानी से समझ में भी आएगा। तो आवर थर्ड क्वेश्चन ऑन क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एलसीएम क्वेश्चन है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय 3, 5, 8, 12 हैव 2 एज रिमाइंडर। 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 3, 5, 8, 12 से भाग देने पर 2 शेष बचे। स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है। स्टूडेंट्स, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 होता है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 होता है, 4 अंकों की बड़ी संख्या 4 × 9 होता है और 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 5 × 9 होता है। दैट मीन्स द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स इज 5 × 9। तो ये सबसे बड़ी संख्या हो गई। अब आपको बोल रहा है कि इसमें भाग देने से, तो अगर आपसे पूछता कि वो संख्या बताइए जो 9999 से कम्प्लीटली डिविजिबल है, तो आपको क्या करना रहता, एलसीएम ऑफ 3, 5, 8, 12। सबसे पहले तो आप एलसीएम 3, 5, 8, 12 का निकाल लीजिए। तो 3 का पावर देखिए 1 है, 5 का भी पावर 1 है, 8 को लिख सकते हैं 2 का क्यूब और 12 का लिख सकते हैं 2 का क्यूब इंटू 3। तो इसमें आप हाइएस्ट पावर ले लीजिए, एलसीएम होगा 2 का क्यूब इंटू 3 इंटू 5 यानी कि 120। यानी कि जब आप एलसीएम निकालिएगा 3, 5, 8, 12 का तो यह आएगा 120। इसका मतलब ये हुआ कि ये 120 वो नंबर है जिसमें 3, 5, 8 और 12 से पूरा भाग लग जाएगा। स्टूडेंट्स, अब आपको करना है, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 है, तो अब आपको 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या वो फाइंड आउट करना है जिसमें 3, 5, 8, 12 से पूरा भाग लग जाए। तो इसके लिए आप क्या कीजिए, 120 को 120 से 5 × 9 को डिवाइड कीजिए। तो स्टूडेंट, जब आप डिवाइड कीजिएगा तो आपको शेषफल मिलेगा 39। यानी 5 × 9 में 39 जब आप माइनस कर दीजिएगा तो आपको वो नंबर मिल जाएगा जिससे 120 कम्प्लीटली डिविजिबल है। 120 कम्प्लीटली डिविजिबल है मतलब जो 3, 5, 8 और 12 से भाग पूरा भाग लग जाएगा जिसमें। तो ग्रेटेस्ट नंबर आपका क्या है, आपको चाहिए 2 रिमाइंडर, तो आपको 2 भी जोड़ना पड़ेगा। यानी ग्रेटेस्ट नंबर हो जाएगा 5 × 9 माइनस जो आपका शेषफल बचा है 39 और प्लस जितना रिमाइंडर चाहिए वो जोड़ दीजिए प्लस 2। यानी 5 × 9 माइनस 39 प्लस 2 और आपका आंसर हो जाएगा 9962। 9962 इज राइट आंसर। स्टूडेंट, सबसे सरल और आसान अप्रोच है, आपको इस अप्रोच को फॉलो करके सॉल्व करना है। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि कई बार मेंस में भी आया है और पीटी में तो बहुत बार पूछा है अलग अलग एग्जाम में। क्वेश्चन है, 4 बेल्स रिंग एट इंटरवल्स ऑफ 30 मिनट्स, 1 आवर्स, 1.5 आवर एंड 1 hour 45 minutes रिस्पेक्टिवली। ऑल द बेल्स रिंग साइमल्टेनियसली एट 12 noon, दे विल अगेन रिंग साइमल्टेनियसली एट। इसका मतलब ये हुआ इन हिंदी, 4 घंटियाँ 30 मिनट, 1 घंटा, 1.5 घंटा तथा 1 घंटा 45 मिनट के अंतराल में बजती है। यदि वे 12 बजे एक साथ बजना शुरू करते हैं तो दोबारा कितने बजे एक साथ बजेगी। स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, जो भी रिक्वायर्ड आवर है ना, एलसीएम निकाल लेना चाहिए। एलसीएम किसका, एलसीएम ऑफ 30 मिनट, 1 आवर, 1.5 आवर और 1 hour 40 minutes। तो स्टूडेंट्स, 30 मिनट का मतलब क्या हो गया, 1/2 आवर। 1 आवर को 1 लिख सकते हैं, 1.5 आवर को लिख सकते हैं 3/2 आवर और 1 hour 45 minutes को 145/60 करेंगे, कैंसिल करेंगे तो 7/4 आवर आएगा। अब आपको एलसीएम पता है, फ्रैक्शन है कैसे निकालते हैं, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर होता है, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन इक्वल टू एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर बाय एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। यानी एलसीएम ऑफ 1137 बाय एचसीएफ ऑफ 2124। तो 1137 का एलसीएम कितना होगा, 7 × 3 = 21 और 2124 का एचसीएफ कितना होगा, कॉमन क्या है सब में, 1। यानी 21 आवर हमारा एलसीएम आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि द बेल विल अगेन रिंग साइमल्टेनियसली आफ्टर 21 आवर्स, सो टाइम विल
बी 12 नून प्लस 21 आवर यानी कि 9 AM में सभी बेल एक साथ बजेगा। स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको इजी वे में कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा LCM का। LCM वाला क्वेश्चंस बहुत ही इजी होता है, आपको बस इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते चले जाइएगा, धीरे धीरे ये टॉपिक स्ट्रांग हो जाएगा। इसी में स्पीड वाला भी रहता है, तो स्पीड बाय ये डिस्टेंस बाय टाइम कर दीजिएगा तो स्पीड निकल जाएगा, या फिर टाइम से रिलेटेड रहता है तो डिस्टेंस बाय स्पीड कर दीजिएगा तो टाइम निकल जाएगा, टाइम अगर पूछता है तो उस केस में भी फ्रैक्शन ही आता है, और फ्रैक्शन का हम लोगों को LCM और HCF दोनों निकालना आता है। तो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हम लोग यहीं पर फिनिश करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे क्वेश्चंस बेस्ड ऑन HCF के साथ, जो कि हम लोगों का Type 3 होगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, टेक केयर एंड स्टे एट होम।